कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करती। बाहुबली प्रभास अब रामायण के राम बनने वाले हैं। हाँ, उनकी आने वाली मूवी आदि पुरुष में वैसे ही मूवी का टीजर तो रिलीज हो गया है, जिसे काफी तारीफें मिली और क्रिटिसिज्म भी मिला। पर उसे थोड़ा साइड में रखते हैं और अभी थोड़ा फोकस करते हैं प्रभास, कृति और मूवी पर। वैसे कृति से याद आया कि वो इस मूवी के जरिए प्रभास के साथ पहली बार काम कर रही हैं। अब काफी लोगों को ये पता भी होगा और कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा, पर कृति ने अपना बॉलीवुड डेब्यू हीरोपंती मूवी से ज़रूर किया था, पर उससे पहले वो साउथ मूवी में काम कर चुकी हैं। तो साउथ स्टार के साथ काम करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी अभी वो दी ग्रेट प्रभास के साथ काम कर रही है ना, इसलिए ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस मूवी में वो जानकी का किरदार निभा रही हैं, यानी कि माँ सीता का। वैसे क्रीडी ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो खूबसूरत तो है ही, पर उसके साथ साथ उन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत ही डिटेल्ड में काम किया है। उन्होंने तेलुगु क्लासेस भी लिए हैं, उन्होंने दूसरों को तेलुगु नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने खुद के लिए क्लासेस लिए हैं। जैसे कि मूवी हिंदी में रिलीज होने वाली है और मूवी के कुछ सीन तेलुगु में भी शूट होने वाले हैं, तो इसके लिए कृति ने तैयारी के तौर पर सही तरीके से किसी एक्सपीरियंस बंदे से तेलुगु से सीखना सही समझा। इसे कहते हैं असली इंजीनियर। हाँ, क्योंकि कृति एक इंजीनियर ही तो है, और अब प्रभास के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो उन्हें कुछ सिखाएं। तो एक टीचर को उन्होंने हायर किया जो उन्हें तेलुगु सिखा रहे थे। वैसे कृति और प्रभास के डेटिंग रूमर्स ने तो गूगल पर हंगामा ही मचा दिया था। कितने सारे रील्स बनाए गए जिससे हमारे दिमाग में ये डालने की पूरी कोशिश की गई कि प्रभास और कृति बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं और वो शादी भी करने वाले हैं, जिस पर प्रभास ने तो कुछ नहीं कहा, पर कृति ने ये कह दिया था कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आदि पुरुष के सेट पर कृति प्रभास के सीक्रेट्स जानकर काफ़ी हैरान हो गई। अब प्रभास के सीक्रेट्स क्या हो सकते हैं? एक तो वो शाही है, दूसरा उन्हें खाना खाना बहुत पसंद है और दूसरों को खिलाना भी। तो सेट पर प्रभास खाने का इंतज़ाम करते ही रहते हैं। जब कृति और प्रभास सेट पर पहली बार मिले तो प्रभास काफ़ी शाही थे, पर जैसे जैसे शूटिंग शुरू हुई उनमें बातचीत बढ़ गई। और वैसे भी कृति भी थोड़ी सी शाही है, पर उनके शाइनेस को काफ़ी लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। इस पर प्रभास के फैंस यही कहेंगे, डोंट वरी कृति, हम ऐसे नहीं हैं। खैर, मजाक की बात छोड़ते हैं, पर दिल्ली कोर्ट के एक लॉयर ने इस मूवी के अगेंस्ट कुछ कहा है। अब आपको पता ही है कि कोई भी माइथोलॉजिकल मूवी होती है तो उसके साथ काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और फिर उस पर बवाल होता है। ऐसे ही एक लॉयर ने मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ओम राउत को निशाना बनाकर उन्हें कहा कि रामायण में जिस तरह से श्री राम जी, सीता, लक्ष्मण और रावण थे, उसमें काफ़ी बदलाव करके मूवी में दिखाया गया है। इन सारी बातों को लेकर लॉयर ने प्रोड्यूसर को खूब फटकारा। ओम राउत का यही कहना है कि टीजर में जो कुछ भी चीजें दिखाई गई वो बस एक छोटी सी झलक है, अभी पूरी मूवी देखना बाकी है। सिर्फ यही नहीं, पर कृति का भी यही कहना था, जिन्होंने भेड़िया मूवी के प्रमोशन के दौरान ओम राउत की तारीफ करते हुए यही जवाब दिया था। तो देखते हैं कि ये मूवी असल में कैसी होती है जो 2023 में रिलीज होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं आदि पुरुष के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।